ओके गाइस, वेलकम बैक टू माय व्लॉग दैट इज़ किरण राठौर व्लॉग्स। और जैसा कि आपको पता है कि मैं अभी जयपुर आई हुई हूँ, तो जयपुर में आके अभी मैं आपको मिलवाती हूँ किसी से कि मैं किससे मिलने आई हूँ। हेलो, फाइनली हम लोग मिल लिए। इतने टाइम बता रही थी जब वो जयपुर थी ना, तब हम एक दूसरे के साथ इतना क्लोज नहीं थे, है ना। बट दूर जाने के बाद अब ज़्यादा क्लोज हो गए हैं। और हम वेट कर रहे थे कब जी जाए कब जी जाए। हमने प्लानिंग तो बहुत सारी करी थी, हम यहाँ जाएंगे वहाँ जाएंगे, बट टाइम फेस्टिव सीजन टाइम का कंस्ट्रेंट फेस्टिव सीजन था, तो ये भी अपने फेस्टिवल में बिजी थे, फैमिली के साथ मैं भी बिजी थी। तो इसलिए हम आज राखी वाखी सब कुछ से फ्री होके आज मिल रहे हैं। और आज हम कहीं जा रहे हैं, वो अभी हम बताएंगे आपको कि कौन सी जगह जा रहे हैं और वहाँ से हम क्या क्या करने वाले हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है, हम एक मार्केट एक्सप्लोर करने वाले आपके सामने जयपुर का, तो हम लोग जब भी चीज़ें जयपुर आएंगे हम कुछ ऐसा और यूनिक चीज़ आप लोगों के साथ में शेयर करेंगे। यूनिक तो मतलब नहीं, लेकिन जो भी जयपुर आना चाहते हैं या फिर जिसको नॉलेज लेनी जो जयपुर से है, और जैसे कि अभी हम जिस मार्केट में जा रहे हैं वहाँ पे अभी क्या नया है, किस रेट में है, कैसा है, ये भी आपको पता चलेगा। तो बिना जाए भी आपको पता चलेगा और फिर आप जाके वहाँ से शॉपिंग कर सकते हो। तो हमारे साथ चलते हैं, तब तक हम कैब करा रहे हैं कि कैब कराने में लगी हुई है। हमने सोचा ट्रैफिक बहुत होता है, नहीं स्कूटी पे थोड़ा सा रिस्की रहेगा, कैब करते हैं। अगर कैब सही होगी तो कैब में चलेंगे, अदरवाइज स्कूटी तो है ही है, तो मोस्ट प्रोबेबली हम लोग कैब से ही जाएंगे, फर्स्ट प्रेफरेंस, नहीं तो स्कूटी जिंदाबाद। तो फाइनली अब हमने कैब कर ली और कैब से ही जा रहे हैं अभी हम। कौन सी जगह वो नहीं बताऊंगी, बताया स्टार्टिंग में बताया था, नहीं बताया मैंने, मार्केट जा रहे हैं। कौन सी मार्केट जा रहे हैं, तुमने बोला था, चलो देखते हैं। पर वो तो उनको टाइटल देख के ही पता चला। हाँ, चलो बता देते हैं, हम लोग जा रहे हैं बापू बाजार। और बापू बाजार में क्या क्या चीजें अभी नहीं आई है, क्योंकि हम दोनों ही बहुत टाइम बाद जा रहे हैं। तो आई एम श्योर आप में बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो कि बहुत टाइम बाद, मतलब काफी टाइम से बापू बाजार नहीं गए होंगे। तो हमारे साथ चलो इस वीडियो के थ्रू, और वहां पे जाके हम दिखाते हैं कि क्या लेटेस्ट चीजें आई हैं और क्या बजट है, क्या चीजें हैं, एक आइडिया हो जाएगा। तो अभी आगे बहुत सारे फेस्टिवल्स आने वाले हैं, तो आप वहां पे जाके अपनी शॉपिंग कर सकते हो और देख सकते हो जो जो अच्छी चीज, नई नई चीजें है। इवन गर्ल्स के लिए, कॉलेज गोइंग गर्ल्स के लिए भी क्या है, कॉलेज तो सारे वहीं पे ही है, तो वहीं से जाके सीधा शॉपिंग कर लेना। और एक चीज और, वहाँ पर जो जो सरोवरी मैं वो है ना, सरावगी मेंशन, सरावगी, हाँ सॉरी सरावगी जो मैंने वो है, वो ब्राइड के लिए जो भी ज्वेलरी वगैरह सारी, तो वो वहाँ का बेस्ट। अगर इफ कोई ब्राइड हमारा वीडियो देख रही है तो उनको ज्वेलरी चाहिए तो वहीं से जाके ट्राई करे, तो क्योंकि मोस्टली मैंने सुना है कि वो वहीं से शॉपिंग करती है। अलग से मार्केट भी है सिर्फ ज्वेलरी का, शायद मैंने भी ऐसा सुना है, देखा नहीं कभी, तो क्योंकि आगे दिखाएंगे हम। हाँ, क्योंकि हम लोग हमेशा मेन रोड पे जाके जो नॉर्मल शॉप्स है वहीं तक जाके आ जाते हैं वापस, कभी ज्वेलरी वाला एक्सप्लोर नहीं किया। तो पूछते हैं किसी से, अगर पता चलेगा तो थोड़ा सा वो भी हम दिखा देंगे। तो चलो चलते हैं। और अगर कलेक्शन हमें लगा ऐसा कुछ है बहुत ज्यादा है, तो हम इस ब्लॉग को टू पार्ट में डिवाइड कर देंगे, अदरवाइज आपको वन ब्लॉग में ही, क्योंकि कुछ चीजें इन जीजा के ब्लॉग्स में दिख जाएंगे आपको, और कुछ चीजें क्योंकि हम सेम कॉन्टेंट नहीं बनाएंगे, तो वो अलग अलग होगा। तो फिर आपके लिए भी सही है कि दोनों जगह पे आपको पूरा का पूरा कलेक्शन वहाँ का दिख जाएगा। तब हम पहुँच गए हैं बापू बाजार, और यहाँ पे पीछे आप देख रहे होंगे सारी शॉप्स वगैरह हैं। और इसने ले लिए पानी की बॉटल, इसको बहुत ही प्यास लग रही थी और भूख भी लग रही थी। इससे बोला चीजा मेरे को भूख लग रही है पेट में, अजीब सा हो रहा है, तो वही जो पानी की बॉटल लेते हैं सबसे पहले। तो अब हम जा रहे हैं मार्केट के अंदर, आप भी चलिए हमारे साथ। कितने के ये? 50 रुपीज। ये सारे 50-50 के ही हैं।
जैकेट सैंडो है ना, ये धोती पैंट्स है। प्राइस क्या है? 450 रुपीज। अरे ऐसा तो नहीं है बापू बाजार में, सब यही बोलते हैं। ऐसा तो हो ही नहीं सकता, फिर बापू बाजार आए क्यों? डिस्काउंट शॉप नंबर 30 है, होम फेयर। या नाइस। प्राइसेस क्या इनकी? सही है, रीजनेबल है यार। और देखो वो वाली पोटियां कितनी प्यारी हैं जो। सही है, सही है, अच्छा लग रहा है। इसे कंट्रास्ट कलर लो तब आपको ज़्यादा दिखेगा, वो पिंक के साथ मर्ज हो रहा है ना। हाँ वाइट भी ले सकते हो। हाँ ग्रीन वाला लो, मैच करेगा। अच्छा लग रहा है, डिफरेंट लग रहा है। स्पेशल बैग है यहाँ का? स्पेशली हम खुद बनवाते हैं। अच्छा अच्छा, यहाँ बनवाते हो? नहीं नहीं, कलेक्शन सारा अच्छा है। सो जीजा ने यहाँ पर लिया है एक बैग और एक अपनी। हाँ जी, ओके, ये मैंने लिया है। मैंने बनवाई है अभी गोल्ड में वैसे, पर इतनी हैवी नहीं है, अच्छी लग रही है। हाँ यार, वो इवेंट वगैरह में जाती हूँ तो काफी अच्छी लग रही है ना, रॉयल लगते हैं तो छोटे बच्चों की। देखो क्यूट क्यूट सी, अरे कितनी प्यारी लग रही है सच्ची में। आपको कौन सी पसंद आई? पसंद रेट तो बहुत ज्यादा है ना, ये वाला ना उठ के भी आ रहा है, दोनों कलर अच्छे लग रहे हैं। बहुत महंगा नहीं हो गया यार बाबा बाजार सच्ची में? पहले नहीं था, क्वालिटी बहुत बढ़ती थी बोल रहे। इस शॉप का नाम सोचो क्या है? ओए सपना, तभी तो मैंने बोला आओ और डिस्काउंट पाओ। बाहर जो कलर लग रहे हैं ना, बड़े प्यारे लग रहे हैं वो ना, वो भी आ जाएंगे। ये मुझे एक बार ट्राई करके वो लगा के दिखाऊंगा, बहुत खूबसूरत लग रहा है ना। नाइस, उसको टच करो। कलर एक और मिलेगा इसमें? कलर और कौन सा है? रामा कलर है, बहुत प्यारा। यार लग तो बड़ा अच्छा रहा है, हाँ मेरे को ऐसे एक्सपेक्टेशन नहीं थी। हाँ इधर तभी हमारी शॉपिंग चल रही है और हमें ये लग रहा है कि बापू बाजार आज तो बहुत महंगा हो गया, बहुत ज़्यादा महंगा हो गया। हर जगह जहाँ पे भी जा रहे हैं रेट्स इतने हाई है, क्योंकि हम मोस्टली करते हैं ऑनलाइन शॉपिंग और ऑनलाइन में सच में यार, मतलब 600 रुपीज़ की जो ड्रेस है वो यहाँ पर 900,000 रुपीज़ की मिल रही है, कोई सेंस नहीं है। और इनकी वजह से मैंने ली थी, क्योंकि मैंने बोला ले लो ले लो, मैंने ले ली है, वापसी ले लो। इसलिए पैसा बर्बाद करने के बाद हमने सेम प्राइस लिया है।
सेम और हाँ हम जो सेम ड्रेस खाएंगे। तो अभी मैं बापू बाजार में आई थी और यहाँ मुझे मिला है मेरा फ्रेंड और इसकी खुद की शॉप है यहाँ पे जूतीज की और इतना प्यारा वाला कलेक्शन है इसके पास। मैं दिखाती हूँ अभी आपको ये रहा और इन सारी जूतीज की रेंज बहुत ही लो है। He's रोहित रोहित धनानी मतलब ये नंबर का तो ये इनकी शॉप है यहाँ पे और अगर आपको होलसेल में लेना हो तो भी आप यहाँ आ सकते हो। बहुत अच्छे अच्छे डिजाइन है और अगर सिंगल सिंगल पीस लेने हो तो भी आप ले सकते हो। वैसे देता नहीं लेकिन मेरा नाम लोगे सपना का नाम लोगे तो दे देगा है ना। तो हमने जूतियाँ ली है यहाँ से और अभी भी हमको सेम ही पसंद आया, हमने सेम सेम ही लिए। बाल बनाने लगी लड़की। अभी हम हमारी कैब का वेट कर रहे हैं बहुत टाइम से और कैब नहीं आई है और पाँव दुख रहे हैं। हम सोच रहे हैं कहीं बैठे हैं बट बैठने की यहाँ पे कोई जगह नहीं है तो इसे हम खड़े होकर इंतजार कर रहे हैं कि कब हमारी कैब आए और तब हम जाएंगे। मुझे तो नहीं जाना, ये मैडम एक्सप्लोर करेंगे मार्केट और पता है सास का फोन आ रहा है, सास का फोन आ रहा है। चलो बच्चे हैं घर में, चार दुकानों में भी नहीं घूमे पूरा सा यार। अगली बार और अच्छे से एक्सप्लोर करेंगे, अभी जितना दिखाएंगे उतना देख लेना। परेशान कर रही हूँ प्लीज देख लेना और ठीक है। हे गाइस, तो जैसा कि अभी अभी आपने वीडियो में देखा कि हम गए थे बापू बाजार और मैं गई थी सपना के साथ। वहाँ पे हमने कुछ शॉप्स पे शॉपिंग की, कुछ एक्सप्लोर किया, चीज़ें देखी एंड उसके बाद हम लोग वापस आ गए थे टाइम से। तो मैं अभी आपको दिखाने वाली हूँ कि मैंने वहाँ से क्या क्या शॉपिंग की है। ये वीडियो ये क्लिपिंग मैं अब अहमदाबाद वापस आने की बात कर रही हूँ क्योंकि जैसा कि आपको पता है कि हम राखी पे गए थे तो बहुत ही इधर उधर जाना वाना भी लगा हुआ था, कुछ फ्रेंड्स से भी मिलना था ये वो, तो मैं वहाँ पे ये क्लिपिंग शूट करना चाह रही थी बट हो नहीं पाया। तो अभी अहमदाबाद आने के बाद मैं आपको लास्ट में इस वीडियो के एंड में ये डाल रही हूँ कि मैंने वहाँ से क्या क्या शॉपिंग की, तो प्लीज़ देखिए और बताइएगा और अगर अच्छा लगे तो ज़रूर बताइएगा क्योंकि इन्हीं ड्रेसेस को यूज़ करते हुए मैं एक स्टाइलिंग वीडियो भी बनाने वाली हूँ कि कैसे आप एक ही ड्रेस से डिफरेंट डिफरेंट लुक्स क्रिएट कर सकते हैं। तो होपफुली आपके लिए वो हेल्पफुल रहेगा एंड आप एक ही ड्रेस से अलग अलग लुक अचीव कर सकते हैं। तो लेट मी शो यू कि मैं क्या क्या लेके आई थी। बहुत ज़्यादा मैंने शॉपिंग नहीं की है, थोड़ी सी की है तो जो भी की है वो मैं आपको दिखा देती हूँ। सो दिस इज़ ऑल दैट आई शॉप्ड फ्रॉम देयर। इसमें ये एक पेपलम वाला कोड सेट है, इसे मैं खोल के दिखाती हूँ आपको। तो ये एक पेपलम टाइप का टॉप है, कॉर्ड सेट है ये पूरा, ये नीचे इसका लोवर है। मुझे इसका प्रिंट बड़ा प्यारा लगा एंड कलर बहुत ही सोफिस्टिकेटेड टाइप, बहुत ही मतलब डिसेंट टाइप, इसलिए मैंने ये वाला लिया। एंड मैंने और सपना ने हम दोनों ने सेम ही दिया है एंड दिस इज द टॉप। ये इसके प्लीट्स बने हुए हैं एंड 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 सेकेंड ड्रेस इज दिस वन। ये एक शॉर्ट ड्रेस है, लूज ही थी, मैंने इसकी ज़्यादा फिटिंग नहीं कराई क्योंकि लूज ही बड़ी प्यारी लग रही थी। इसे मैं इंडियन वे में भी स्टाइल कर सकती हूँ, वेस्टर्न वे में भी। तो इन दोनों का मैं स्टाइलिंग वीडियो जल्द ही लेके आऊँगी मेरे चैनल पे। इसके अलावा मैंने ये पर्स लिया था जो मुझे बहुत ही क्यूट लग रहा था एंड डिफरेंट भी, 350 या 400 का। और ये दोनों ड्रेसेस ये थी 900 की
और ये भी शायद 900 की थी, मुझे चेक करना पड़ेगा, पर इसी के अराउंड ही थी, तो ये इतनी इतनी थी। और ये फिर मैंने जूतीज़ ली थी जो मैंने बताया था मेरे फ्रेंड की जो शॉप थी वहाँ से, और ये जूतीज़ का कलर डिज़ाइन हमें बहुत ही ज़्यादा पसंद आया। और ये है उनकी ब्रांड रिलैक्स, तो आप जाके वहाँ से शॉप कर सकते हो, मैं डिस्क्रिप्शन में सब कुछ डाल दूंगी। सो दीज आर द फ्यू थिंग्स दैट आई हैव शॉप्ड फ्रॉम बापू बाजार, बहुत ज़्यादा नहीं की, बट हाँ मार्केट थोड़ा सा एक्सप्लोर किया, और सबसे ज़्यादा इनमें मुझे पसंद आई हैं ये जूतियाँ। तो मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगी उसके पेज का, आप जाके वहाँ पे इंक्वायरीज कर सकते हो, या खुद से बापू बाजार में जा, अगर आप जा रहे हो तो वहाँ से भी आप ले सकते हो। सो नाइस। सो इसी के साथ ये वाला व्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ, होप यू लाइक इट। आगे आने वाले टाइम पे आपको कुछ कुछ अलग स्टाइलिंग वाला कंटेंट भी मेरे पेज पे आपको दिखेगा, सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। बाय बाय।